मैं विनय गुप्ता। आज हम लोग क्लास सिक्स के लेक्चर को और आगे बढ़ाएंगे। क्लास सिक्स में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे पूर्णांक, तो उसका हमने एक प्रश्नावली समाप्त किया। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं, थर्ड ए के बाद थर्ड बी में चलते हैं। ठीक है, थर्ड बी से पहले कुछ कुछ उसकी थ्योरम क्लियर करेंगे, इसके बाद उसको आगे पढ़ेंगे। तो पूर्णांक हमने पढ़ा था कि जो अंक हैं वो पूर्णांक हैं, लेकिन पूर्णांक क्या होते हैं? दो तरीके के, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, तो अब देखते हैं संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांक को जोड़ना सीखते हैं। संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांक को जोड़ना, संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांक को कैसे जोड़ेंगे? तो देखिएगा, जैसे इसमें दिया है, एग्जाम्पल दिया है कि -3 और -2, इनका मान ज्ञात करना है संख्या रेखा की सहायता से। तो अपन ने संख्या रेखा बनाई, तो यहाँ पे 0, माइनस है तो इस तरफ, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इस तरीके से हो गया। ठीक है, ऐसे बोल रहा है सबसे पहले क्या करना है, -3, इधर से गए अपन कहाँ तक, -3 तक। इसके बाद क्या बोल रहा है, -2 और, यानी कि 1, 2 और, ठीक, -2 और, तो यहाँ तक आ गए, तो कितना आ गया, -5 आ गया, तो हो गया आंसर, कितना हो गया, -5। तो संख्या की सहायता से इस तरीके से हमने पूर्णांकों को जोड़ लिया, पहले -3 तक, इसके बाद 2 और बढ़ना है, तो 1 और 2, यहाँ तक आ गया, -5 आ गया। ठीक है, और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, +6 और +3, इनको जोड़ना है, संख्या रेखा बना दी अपन ने, यहाँ 0 ले लिया, अब प्लस का है तो इस तरफ आएगा सब, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक, प्लस के 6, तो पहले तो 1, 2, 3, 4, प्लस के 6 तक, प्लस के 6, इसके बाद प्लस के 3 और, यानी कि 1, 2, 3, तीन खाने और बढ़ना है, तीन खाने और बढ़ेंगे तो 9 तक पहुंचेंगे, तो क्या हो गया, 9 आ गया, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम पूर्णांकों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं कि अगर क्या होगा, दो पूर्णांकों को अगर जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, पूर्णांक प्राप्त होगा, इससे ये भी अपन को पता चलता है। ठीक, अगला थ्योरम देखिए, तो अभी अपन ने एक ही तरीके के प्लस प्लस को जोड़ा, माइनस माइनस को जोड़ा। ठीक है, अब अपन को करना है सहायता से एक चीज और जोड़नी, असमान चिन्हों के, असमान चिन्हों के पूर्णांकों को जोड़ना। अब संख्या की सहायता से जो अलग अलग चिन्ह होंगे, मतलब अभी माइनस माइनस को जोड़ा था, प्लस प्लस को जोड़ा था, अब अलग अलग चिन्हों को, माइनस प्लस को, प्लस माइनस को जोड़ना, ये करेंगे। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल है -6 और +4। ठीक, इसको अपन को जोड़ना है, तो अपन ने क्या किया, इधर 0, ठीक, 1, 2, 3, ये प्लस में हो गया, इधर माइनस है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि कहाँ तक, -6। ठीक है, -6 में किसको जोड़ना है, +4 को। ठीक है, तो -6 तक आ गए पहले, ठीक,
इसके बाद कहाँ जाना है, प्लस की तरफ जाना है, ठीक है, प्लस की फोर की तरफ। तो माइनस छः में इसके बाद प्लस फोर की तरफ, यानी कि एक दो तीन चार, चार कदम अपन को प्लस में जाना है। पहले माइनस में आए, इसके बाद कहाँ पढ़ना है, प्लस की तरफ। तो एक प्लस, दो प्लस, तीन प्लस, चार प्लस, यानी कि यहाँ तक आएंगे। हो गया ये, तो क्या आ गया आंसर, आंसर आ गया माइनस दो। समझ गए बात को, ठीक है, माइनस छः प्लस चार को इस तरीके से। अगला एग्जाम्पल देख लो भाई, अगला एग्जाम्पल कह रहा है प्लस का सात और माइनस का चार, इसको अपन को जोड़ना है, ठीक। इधर अपन ने जीरो, इधर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक। तो सबसे पहले प्लस का सेवन, तो जीरो से लेके कहाँ तक, प्लस के सेवन तक, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, माइनस आना है चार, यानी कि चार इस तरफ आना है। तो एक दो तीन चार यहाँ तक आएंगे, ठीक है, आ गया, तीन आएगा आंसर। तो माइनस के चार में इधर तक पहुँच जाएंगे, ठीक। तो क्या आ गया आंसर, तीन, ये हो गया आंसर। प्लस का सात माइनस का चार बराबर कितना हो गया, तीन, ये अपना आंसर फाइंड आउट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से असमान चिन्हों को अपन संख्या रेखा की सहायता से इस तरीके से पूर्णांक, जो असमान चिन्ह वाले पूर्णांक हैं उनको जोड़ देंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, अब कुछ बातें हम देखेंगे जो अपन को याद रखना है कि अगर हमने दो, पहले हमने पहला वाला जो किया था तो दो धन पूर्णांक को जोड़े तो धन प्लस आया था, ऋण पूर्णांक को जोड़े तो ऋण आया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए कि दो धन पूर्णांकों का योगफल धन होता है, अगर दो धन पूर्णांक जोड़ेंगे तो धन आएगा, ठीक है। दो ऋण पूर्णांकों का योगफल ऋण होता है, अगर दो ऋण पूर्णांक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ऋण ही आएगा, ठीक। अगर अब प्रश्नावली थ्री बी का स्टार्ट करते हैं, अभ्यास थर्ड बी या थ्री बी। अब पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, पहले का पहला, ठीक। शक्तिमान वाला बना रहे हैं, शक्तिमान देखे हो आप लोग बचपन में, तो इसी तरीके का बना रहता शक्तिमान के चारों तरफ ना, बस वही है ये। और बना दें एक, लो अब इसमें लिखा है चार नौ माइनस का तीन, इधर माइनस का सात, इधर पंद्रह, इधर लिखा है इक्कीस ग्यारह दस माइनस का नौ माइनस का तेरह, इधर लिखा है सत्रह माइनस का अठारह माइनस का पंद्रह, ठीक, क्वेश्चन मार्क और चौदह। अब इसमें ये दिया हुआ है, कह रहा है कि ये जो संख्याएं दी हैं वो एक कहीं ना कहीं इनका आपस में संबंध है, तो इन संबंध का ज्ञात करके अपन को इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन भी दिया है लेकिन ऑप्शन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, तो मैंने उस संबंध पकड़ लिया, हो क्या रहा है इसमें, ठीक। देखो हो क्या रहा है, जितनी भी प्लस हैं उनको जोड़ दिया और जो माइनस हैं उनको जोड़ दिया और प्लस वाले से माइनस को घटा दिया। तो इसमें प्लस जोड़ेंगे तो पहले वाले में क्या आएगा, पंद्रह प्लस नौ प्लस चार, यानी कि इनको जोड़ेंगे तो हो गया 28, ठीक, यही हो रहा है, गलत समझे। देखो करना क्या है, जो बीच वाला है ना, जो बीच में आ रहा है, अगल बगल वाले प्लस जोड़ लो, ये 15 प्लस 4 कितना हो गया 19,
और माइनस का 7 और माइनस का 3 कितने हो गए, माइनस के 10, प्लस के 19 में से माइनस का 10 घटाया तो कितना आया, प्लस का 9। यही इसमें लिखा ना, समझ गए। इसको देखो, ये प्लस प्लस वाले 21 और 11 कितना हो गया 32, माइनस का 13 और माइनस का 9 कितना हो गया 22, माइनस का और 32 में से माइनस का 22 घटाया कितना आया 10 आ गया 10। ऐसे यहाँ पे होगा 17 और 14 प्लस के कितने हो गए 31, और 18 और 15 माइनस से कितने हो गए 33। 31 में से 33 घटाओ कितना आया माइनस का 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही। ठीक है, क्लियर, आ गई बात समझ में। ठीक, आगे क्वेश्चन करते हैं अगला। तो पहला हो गया क्वेश्चन, दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी इसी टाइप का है। दूसरा देखिए, दूसरे में भी ऐसे 3 बने हुए हैं, बना दो भाई। अब क्या क्या लिखा है इसमें, 15, 10 और 11, इधर 19 माइनस का 3, इधर 10, 5, 8, 4, 7, इधर 12 क्वेश्चन मार्क 6, 8, 5। अब ये क्वेश्चन देखो यहीं लिखा हुआ है, मैं आगे बढ़ूंगा और साथ में आपको ये क्वेश्चन सोचना है कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है ना, इनको आपको सोचना है। ठीक, थोड़ा सा अगर विचार करेंगे तो ये भी आपस में ऐसी इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है ना। देखो जैसे दूसरे वाले में देखो 10 और 4 14, 14 और 5 19, और 19 और 7 कितना होता है 26। ठीक, ये 26 हुआ, 8 कहाँ से आ गया, तो हो क्या रहा है इसमें। जैसे इसमें आप देखोगे कि 15 और 11 कितना हो गया 26, ठीक है, और 19 हमें तो देखो समझ में आ गया। ठीक, आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, हल्का सा। ठीक, तो मैं इसके आगे बढ़ता हूँ, ये क्वेश्चन यहीं का यहीं लिखा हुआ है, ठीक है, इसको अभी थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे और फिर इसके बाद मैं बताऊंगा तो कितने लोग इसमें दिमाग लगा पाए, इसका आकलन करेंगे। ठीक है, चलो तीसरा देख लो। जब तक तीसरा है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में पहला कह रहा है दो पूर्णांकों का योगफल सदैव डॉट 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 होता है। तो दो अगर पूर्णांक हैं उनका योग करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा। ठीक है, तीसरे का दूसरा कह रहा है, तीसरे का दूसरा क्या है, दो धन पूर्णांकों का योगफल क्या होता है। दो धन पूर्णांकों का भी अपन ने पढ़ा, दो धन पूर्णांकों का योगफल हमेशा क्या होता है, एक धन पूर्णांक होता है। अब तीसरा, ठीक है, यहाँ लिख दो कि धन पूर्णांक होता है। तीसरे का तीसरा, दो ऋण पूर्णांकों का योगफल क्या होता है, ऋण पूर्णांक होता है। दो ऋण पूर्णांकों का योगफल ऋण पूर्णांक होता है। ठीक, चौथे में सत अथवा असत बताना है, सत अथवा असत बताइए। तो पहला क्या है, किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम, किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल शून्य होता है। कोई पूर्णांक मान लीजिए प्लस 7 है, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, माइनस का 7, तो इसका योग कितना होगा 0, यानी कि ये वाली बात सही है। चौथे का दूसरा क्या कह रहा है, शून्य ऋण पूर्णांक है, शून्य ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है, यानी कि ये वाली बात गलत यानी कि असत्य है। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है, नहीं होता है, दो ऋण पूर्णांकों का योगफल क्या होता है, हमेशा एक धन पूर्णांक होता, सॉरी दो ऋण पूर्णांकों का योगफल हमेशा ऋण पूर्णांक होता है। ठीक है, तो यानी कि ये वाली बात गलत हो गई। चौथा पॉइंट, चौथा क्या कह रहा है,
किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। किसी पूर्णांक में शून्य जोड़ेंगे तो वही पूर्णांक आएगा, एकदम आएगा। चौथी वाली बात सही हो गई। पांचवा पॉइंट देखिए, पांचवा कह रहा है एक ऋण एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। नहीं होता है, कभी धन पूर्णांक भी आ सकता है, कभी ऋण पूर्णांक भी आ सकता है। ये निर्भर करता है कि धन पूर्णांक बड़ा है या ऋण पूर्णांक बड़ा है। जैसे कि मान लीजिए धन पूर्णांक 9 है, ऋण पूर्णांक 7 है, तो 9 में 7 घटाओ कितना आएगा 2, यानी कि धन पूर्णांक आया। लेकिन धन पूर्णांक क्या है 7, ऋण पूर्णांक है माइनस का 9, तो क्या आएगा माइनस का 2, तो आंसर क्या आया ऋण पूर्णांक। तो इस संख्या पर निर्भर करता है कि धन पूर्णांक आएगा या फिर ऋण पूर्णांक आएगा। तो पांचवी वाली बात गलत है। छठवीं बात लिखिए, छठवां कह रहा है संख्या रेखा पर माइनस 18 प्लस 18 शून्य से समान दूरी पर है। हाँ, जितना शून्य से जितना प्लस 18 होगा उतना ही माइनस 18 होगा। ये वाली बात सही है। सातवां पॉइंट क्या है, सातवां पॉइंट दो धन पूर्णांकों का युगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। बिल्कुल होता है, तो ये बात सत्य है। ठीक, अब इसमें कितने लोगों ने विचार कर लिया, अब जिनने विचार किया है और कितने के हद तक उसकी बात सही साबित होती है इसको चेक करेंगे। अब मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखिए इसमें हो क्या रहा है, इसमें जो ये दो संख्याएं हैं ये जुड़ रही हैं, ये जुड़ रही हैं, और इन्हें घटाने पे ये आ रहा है। जैसे 15 प्लस 11 कितना हो गया 26, 19 माइनस 3 कितना हो गया 16, अब इसको घटा दिया इससे तो कितना आया 10। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ 5 4 10 और 7 कितना हो गया 17, जो बड़ी संख्या है उसको छोटी संख्या से घटाना है। और 5 प्लस 4 कितना है 9, 17 में से 9 घटाया कितना आया 8। ठीक, यहाँ पे क्या है 12 और 6 कितना है 18, और 8 और 5 कितना है 13, और 18 में से 13 घटाया कितना आया 5। एक मिनट, 8 5 13 18, ठीक है एकदम सही 5 आंसर हो गया इसका। 12 से 18 और 8 5 13, 13 से 18 जाएगा 5 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्नावली समाप्त हो गई। बड़ा आसान से क्वेश्चंस थे, अगर आपने पूरा अच्छे से देखे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस टाइप के कितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप बड़े आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो हंसते रहिए पढ़ते रहिए। ठीक है, वही हमारा संकल्प है, और सृजन का जो संकल्प है उसको लगातार आगे बढ़ाते रहिएगा, और अपना जीवन अपने हिसाब से तय कीजिए। आप तय करेंगे कि आप अपने जीवन को किस दिशा और दशा में लेके जाना चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।